पिछली क्लास में हम लोगों ने रहीम के दोहे डिस्कस करने शुरू किए थे, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तीन दोहे हमने डिस्कस कर लिए थे। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे में रहीम जी ने प्रेम के महत्व को बताया है। हमारा कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, हमें कभी भी संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार संबंध टूट जाते हैं तो फिर दोबारा से नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। निजमन की रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब बांटे न ले हैं कोई। इसमें रहीम जी ने बताया है कि हमें अपने मन की विपत्ति, हमें अपने मन की मुसीबत किसी से भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपका मन व्याकुल है, बेचैन है, तो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग उसमें आनंद लेते हैं। आपकी समस्या को कोई नहीं समझता, बल्कि लोग उससे आनंदित तो होते हैं। नेक्स्ट इज, एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल ही सींचियो, फूले फले अघाए। इसमें रहीम जी ने बताया है कि एक बार में एक काम करना चाहिए। यदि हम एक काम को अच्छे ढंग से करते हैं तो हमारे बाकी काम भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार पौधे की जड़ को सींचा जाता है, उसमें जल दिया जाता है, उस पर फूल पत्तियां फल अपने आप आ जाते हैं, इसी प्रकार से यदि हम एक काम ठीक ढंग से करते हैं तो बाकी काम भी अपने आप होने लगते हैं। नेक्स्ट, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहां पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रम रहे, चित्रकूट आपको पता होगा, जब राम जी को वनवास मिला था, लक्ष्मण जी और सीता जी उनके साथ थे, उस समय उन्होंने चित्रकूट में अपना समय बिताया था। चित्रकूट में अपना समय उन्होंने बिताया था, जहां उन्होंने अपना अपनी कुटिया बनाई और वहां पर रहने लगे। चित्रकूट में रम रहे, वहीं पर भरत जी आकर उनसे मिले थे। चित्रकूट में, चित्रकूट में रम रहे मतलब रह रहे, रहीमन अवध नरेश, रहीमन मतलब रहीम जी कहते हैं, अवध नरेश, अवध मतलब अयोध्या, नरेश मतलब नरेश या राजा। अयोध्या के राजा कौन? श्री राम। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जब श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ा, उस समय उन्होंने चित्रकूट में समय बिताया, वे चित्रकूट में रहने लगे। चित्रकूट एक बहुत ही घना वन है। जब श्री राम पर मुसीबत आई, उस समय वे वहां पर जाकर रहने लगे। जा पर विपदा पड़त है, विपदा, विपदा मतलब मुसीबत, पड़त है मतलब पड़ती है। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। देश मतलब जगह, स्थान, आवत है मतलब आता है। जिस पर मुसीबत पड़ती है वह इस देश आता है। इसका मतलब क्या है कि राम जी पर मुसीबत पड़ी तो उन्होंने चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। यानी कि जब किसी व्यक्ति पर मुसीबत पड़ती है तो वह उससे निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? श्योर? इस बार एमसीक्यूज हैं,
हर दोहे का अर्थ बहुत अच्छे से आना चाहिए, हर शब्द का अर्थ अच्छे से आना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चार पांच के पास किताबें हैं, बाकी सब किताबों के बिना है। हम क्लास लगाने आए हैं, हमारे पास किताब होनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ी जाही। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दोहा मतलब दोहा, अर्थ मतलब अर्थ, अर्थ अर्थ। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, आखर मतलब शब्द या अक्षर, अक्षर आखर थोरे आही, थोरे मतलब थोड़े या कम, कम। ज्यो रहीम नट कुंडली, ज्यो रहीम, ज्यो मतलब जैसे, रहीम जी कहते हैं जैसे, नट कुंडली, नट होते हैं जो कलाकार होते हैं, ठीक है। आपने कभी देखे होंगे रस्सियों पर चलते हैं, छोटी सी प्लेट होती है उस पर नृत्य करते हैं, एक छोटा सा रिंग होता है जिसमें से बच्चे निकल जाते हैं, है ना, जो इस तरह की कलाबाजी दिखाते हैं उन्हें कहते हैं नट। ज्यो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाहे, सिमट मतलब सिमट कर, अपने आप को समेट कर, कूद चढ़ी जाही, अपने आप को समेट कर कूदते हैं और उसमें से निकल जाते हैं। एक बड़ा शरीर है, नट है, अपने आप को समेट कर कुंडली में से निकल जाता है। रहीम जी कहना चाहते हैं कि चाहे दोहा छोटा हो, अक्षर थोड़े हो, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जैसे हमने पढ़ा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पर जाए। अक्षर बहुत थोड़े हैं, शब्द बहुत थोड़े हैं, लेकिन अर्थ कितना गहरा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें रहीम जी कहना चाहते हैं, उनके दोहों के अक्षर भले ही कम हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे हैं, अर्थ बहुत बड़े हैं। उसी प्रकार जैसे एक नट अपना जब कर्तव्य दिखाता है तो छोटी सी कुंडली में सिमट कर उसमें से निकल जाता है, इसी तरह चाहे दोहों के अर्थ शब्द कम है, अक्षर कम है, लेकिन अर्थ बहुत ही गहरे हैं। क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? एक बार डांटा तो वीडियो ऑन हो गई, अब पढ़ाना शुरू कर दिया फिर वीडियो बंद हो गई। पता नहीं हम क्या ऐसा काम करने चले जाते हैं, वीडियो क्लास ज्वाइन करके कि वीडियो बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, धन रहीम जल पंख को लघु जिया पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। शब्दों के अर्थ समझिए पहले। धनी, धनी मतलब धन्य, महान, धन्य। रहीम, रहीम जी कहते हैं जल, जल मतलब पानी। पंख को, पंख मतलब कीचड़, को मतलब का। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल धन्य है। धन रहीम जल पंख को, कीचड़ का जल धन्य है। लघु जिय पियत अघाय, लघु छोटा, छोटा
जीव, जीव मतलब जीव, पियत पीकर अघाए तृप्त हो जाता है या प्यास बुझा लेता है। रहीमन रही धनी रहीम जल पंक को लघु जिया पियत अघाए। रहीम जी कहते हैं कीचड़ का जल धन्य है जिसको छोटे छोटे जीव पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि मतलब सागर, समुद्र। उदधि बड़ाई कौन है? बड़ाई, बड़ाई मतलब बड़प्पन, बड़प्पन बड़ा होना। कौन है, क्या है, उसमें उसकी क्या बड़ाई है? सागर इतना बड़ा है, इतना विशाल है, लेकिन उसका क्या बड़प्पन है? जगत प्यासो जाए, जगत मतलब दुनिया, संसार, प्यासो प्यासा जाए चला जाता। समुद्र का पानी खारा होता है, नमक वाला होता है। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो उसे पीकर वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। एक सागर, एक समुद्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्यासा है और उसके पास है तो उसका पानी पीकर वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसे समुद्र, ऐसे सागर के इतना बड़ा होने का क्या लाभ, उसका बड़प्पन कहाँ है? वही कीचड़ का जल, कीचड़ का जल जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वह जल पीकर जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, इसलिए कीचड़ का जल भी धन्य है। सिट प्रॉपरली। चाहे वह कीचड़ का जल है लेकिन फिर भी वह धन्य है। इसमें रहीम जी ये कहना चाहते हैं, यदि आप बहुत बड़े हैं, आप किसी उच्च पद पर हैं, किसी ऊंची पदवी पर हैं, या आपके पास बहुत धन दौलत है, उस ऊंचे पद या उस धन दौलत का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते। और एक गरीब व्यक्ति जो कम खा रहा है, जिसे पूरा मिल भी नहीं रहा अपने लिए भी, और वो दूसरों की भी सहायता करता है, आपसे अच्छा वो व्यक्ति है। इसलिए ऊंचे होने का लाभ तब तक नहीं है जब तक हम किसी की सहायता नहीं करते। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहू कछु ना देत। नाद रीझ तन देत मृग, नाद मतलब संगीत, रीझ मतलब रीझना, रीझ कर, तन तन मतलब शरीर, देत दे देता है, मृग हिरन। आपको मैंने पहले भी बताया था, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ढोलक है, सितार है, जिनमें चमड़ा लगा होता है, किसी ना किसी पशु का चमड़ा लगा है उससे बनते हैं, ठीक है। नाद रीझ तन देत मृग, कहते हैं एक हिरण है जिसे नाद इतना अच्छा लगता है, संगीत इतना अच्छा लगता है कि उसके लिए अपना तन भी दे देता है, ढोलक बन जाती है, तबला बन जाता है, उसके लिए अपना शरीर भी दे दिया, ठीक है। नर धन देत समेत, इसी तरह कुछ लोग दूसरों के किसी काम से खुश होकर धन भी दे देते हैं। कई बार आपने देखा है कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, किसी ने नृत्य बहुत अच्छा किया, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया, खुश होकर उसको इनाम के तौर पर धन दे दिया, ठीक है। ते रहीम पशु से अधिक, ते मतलब वे लोग, रहीम जी कहते हैं वे लोग पशु से भी अधिक बुरे हैं। मृग पशु है, नृत्य पर रीझ कर अपना तन भी दे देता है, लेकिन वे लोग पशु से भी तुच्छ हैं।
रीझेहू कछु ना देत, जिन्हें किसी के द्वारा किया गया कोई काम अच्छा लगे फिर भी कुछ नहीं देते। किसी के काम से रीझ कर उसको एक शाबाशी दे देना ही बहुत बड़ी बात है। जो लोग शाबाशी तक नहीं देते हैं वे पशु से भी तुच्छ हैं। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आया? समझ में आया रुद्र? समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इस दोहे में किसी को कोई डाउट हो रेज योर हैंड्स बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो। नो? चलो आगे चलते हैं। बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। पहले वाले दोहे से मिलता जुलता भाव वही है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, बिगड़ी बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी बात बने नहीं। अगर एक बार किसी से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं या एक बार बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा से नहीं बनती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोए, लाख करो, लाख कर लो, किन कोए उपाय, कितने भी लाखों उपाय कर लो लेकिन बिगड़ी हुई बात दोबारा नहीं बनती है। जैसे रहीमन फाटे दूध को, दूध अगर एक बार फट जाता है उसका पनीर बन जाता है, खराब हो जाता है दूध, उसमें से मक्खन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन हो, फटे हुए दूध को मथ कर उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता। दूध खराब हो गया तो हो गए। इसी तरह से जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको दोबारा से वैसा ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे हम लाखों उपाय कर लें। क्लियर? एनी डाउट? किसी शब्द का अर्थ ना समझ में आया हो पूछ लो। कोए, कोए, किन कोए, कितने भी उपाय कर लो, कोई भी उपाय कर लो, कोए कोई भी, लाखों उपाय, कोई भी उपाय कर लो लेकिन वह बात नहीं बनेगी। हाँ, किन कोए, कितने भी उपाय कर लो, किन कितने भी कोए उपाय, कितने भी उपाय कर लो ठीक नहीं होगा। क्लियर? चले आगे। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इज रहीमन देख बड़ेन को, लघु दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। बहुत ही फेमस दोहा है रहीम जी का। रहीम जी कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, देख देखना बड़ेन को, बड़े व्यक्ति को, जिसके पास पोस्ट बड़ी अच्छी है, जिसके पास धन दौलत बहुत है। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डार, लघु मतलब छोटा, ना दीजिए नहीं करना है, दीजिए डार, डार मतलब छोड़ना। बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। कपड़े उधर गए, कहीं से फट गया, तलवार सिल सकती है उसको? बहुत बड़ी होती है तलवार, सिल सकती है? नहीं। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। जहां एक छोटी सी सुई काम आती है वहां इतनी बड़ी तलवार कुछ नहीं कर सकती। किसी बड़े व्यक्ति को देखकर किसी छोटे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। जो काम कोई छोटा व्यक्ति कर सकता है वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्लियर?
रहिमन निज संपत्ति बिन कोना बिपदि सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा है, बहुत तेज रोशनी होती है, बहुत बड़ा सूरज है। पानी में कमल का फूल खिला हुआ है, ठीक है, अगर वो पानी में ना हो तो सूरज की रोशनी उसको बचा सकती है? बचा सकती है, क्योंकि वो सूरज उसका अपना नहीं है, पानी तो उसका अपना है, पानी में ही रहता है, पानी ही उसे बचाएगा, सूरज की रोशनी उसे नहीं बचा सकती, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। रहिमन निज संपत्ति बिन, निज मतलब अपनी संपत्ति धन दौलत, बिन मतलब बिना, रहीम जी कहते हैं अपनी संपत्ति के बिना कोना विपदी सहाय, कोना कोई नहीं, विपदी मुसीबत, सहाय सहायक, जब तक आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तब तक आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। अगर आप मुसीबत में आ गए हैं, आपके कितने ही रिश्तेदार हो, कितने ही मित्र बंधु हो, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, एक सीमा तक कोई कर सकता है, उसके बाद नहीं। जब तक आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तब तक कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। जिस तरह से एक कमल का फूल बिन पानी जो जलज को, जैसे कमल के फूल को पानी के बिना नहीं बचाया जा सकता, नहीं रवि सके बचाए, उसे पानी ही बचा सकता है, सूरज भी उसे नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्य के पास अपनी संपत्ति होना बहुत जरूरी है, जो कि उसे मुसीबत से निकालती है। नेक्स्ट, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पहली पंक्ति में पानी का अर्थ विनम्रता, विनम्र होना। रहिमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं अपने पास पानी रखो, वाटर बॉटल पानी नहीं, विनम्रता, आपके भीतर विनम्रता होनी चाहिए। बिन पानी सब सून, हर चीज के लिए पानी का अलग महत्व है। बिन पानी सब सून, मनुष्य विनम्रता के बिना कुछ भी नहीं है, मनुष्य के भीतर विनम्रता होनी चाहिए, बिना विनम्रता के सब कुछ सूना है, सब कुछ व्यर्थ है। पानी गए ना उबरे, यहां पर पानी का मतलब है इज्जत, पानी गए ना उबरे, यदि मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसका कुछ भी नहीं रहता। मोती मानस चून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, इस पंक्ति में पानी गए ना उबरे, इस पंक्ति में जो पहला शब्द पानी है वो तीन अर्थों में लिया गया, किस किस के लिए, मोती मानस चून। मोती, मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मोती की चमक चली जाए तो मोती का मूल्य खत्म हो जाता है, ठीक है, मोती की अगर चमक नहीं होगी मोती खत्म। मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य के लिए मोती का अर्थ है इज्जत, मान इज्जत, यदि मनुष्य का मान इज्जत चला जाए तो उसका जीवन व्यर्थ है। चून, चून का मतलब मैंने आपको बताया था, आप चूना भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, अगर आपने कहीं रंग पुताई करनी है, जब तक चूने में आप पानी नहीं मिलाते हैं तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। और आटा, अगर आप चूने का तो आटा ले रहे हैं, जब तक आप आटे में पानी नहीं मिलाते हैं आप आटा गूंध नहीं सकते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं है, सूखा आटा नहीं खाया जा सकता। इसलिए रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे
मोती मानस चू, मतलब कि मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। यदि मनुष्य विनम्र होगा तो वे अपना जीवन सफलता पूर्वक बिता सकता है, बिना विनम्रता के उसका जीवन कुछ नहीं। जिस प्रकार से यदि मोती के लिए पानी ना हो, यानी कि मोती की चमक ना हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। जब तक मनुष्य का मान इज्जत बना रहे तब तक ठीक है, यदि वे मान इज्जत ना हो तो जीवन विफल है। और चून, चूने के लिए या आटे के लिए भी पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार मनुष्य को भी विनम्र बने रहना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? श्योर? ये हमने दोहे आज रिवाइज कर लिए हैं। आपका वेंसडे को दोहों का टेस्ट है, आपने इन्हें रिवाइज करना है, समझना है। आज इसको पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल आप इसमें से मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। और व्याकरण के लिए एक और इमेज या पीडीएफ भेजूंगी, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू बेटा।